नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज का जो वीडियो है वो हमारे एजुकेशन पार्टनर डॉल्फिन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ने स्पॉन्सर्ड किया हुआ है, जो होटल मैनेजमेंट का कॉलेज है और कोर्स कराने के बाद बच्चों को फॉरेन प्लेसमेंट सर्विसेज का भी मौका देते हैं। तो अगर आपको इनसे जुड़ना है तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, और हमारे कोर्स से अगर आप जाके यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन जो पूछा गया है क्यूए सेक्शन में हमारे तरफ से, कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ अ सोशल प्रोप्राइटर सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी अगर कोई मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करता है तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम आ सकता है, या क्या मान लीजिए दिक्कत है, या क्या डिसएडवांटेज है। हर एक बिजनेस का देखिए कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है जो आपके सामने आता है। स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आता है कि उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। आप नए होते हैं, काम चालू कर देते हैं, और जैसे जैसे समय बीतता है, चीज़ें घटती हैं, तब आपको एहसास होता है कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। ये तो पहले तो लोग जानते ही नहीं हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। बस कंपनी के लिए लाइसेंस चाहिए तो बना लो, वो तरीके से लोग काम करते हैं। तो आज हम जो हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बताया भी है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है और बिजनेस कैसे होता है। तो देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि ऐसा बिजनेस जिसमें आप अकेले मालिक हैं और मैक्सिमम ट्रेड लाइसेंस के बेस पे ये काम होता है। तो जहाँ भी सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है तो वो एक लिमिटेशन के अंदर में, यार मान लीजिए आप अपना म्यूनसिपल एरिया में आप काम कर रहे हैं, दो तीन म्यूनसिपल एरिया में काम कर रहे हैं, या अपने स्टेट में कर रहे हैं, मगर जैसे ही आप अपने म्यूनसिपल के बाहर जाइएगा ऑफिस खोलने, तो वहाँ पे आपको फिर से आपको उस म्यूनसिपलिटी में ट्रेड लाइसेंस बनाना पड़ेगा या आपको काम करना पड़ेगा। जैसे ही ऑफिस सेटअप कीजिएगा, ऑनलाइन कर रहे हैं या एक जगह से कर रहे हैं तब कोई ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए आपको ये इसका भी ये भी एक डिसएडवांटेज है कि आप जहाँ जहाँ जाइएगा आपको ऑफिस खोलना पड़ेगा, वहाँ वहाँ ट्रेड लाइसेंस बनाना पड़ेगा। दूसरा, सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी पे लोग उस तरीके से लीगली भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है वो एक आदमी के हाथ में होता है, कोई टीम नहीं होता है, कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। अकेला आदमी जो अच्छा सोचता है वही एक्शन लेता है, तो इसलिए लोगों को भरोसा थोड़ा कम होता है। लोग हमेशा देखिएगा लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे लोगों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि उनको एक एमसीए का गाइडेंस मानना पड़ता है, कंपनी लॉ का गाइडेंस मानना पड़ता है, और रूल रेगुलेशन के अंडर में रह के उनको काम करना पड़ता है। मगर प्रोप्राइटरशिप में उतना ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं है, जो सिंगल आदमी है वो जो चाहे वो कर सकता है, तो इसलिए थोड़ा कमेटी वगैरह नहीं होती है, इसलिए लोगों का थोड़ा विश्वास कम होता है। तीसरा, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप देखिएगा प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड ऐसी कंपनियों में लोगों का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, एफडीआई हो। मगर जैसे ही आप सोल प्रोप्राइटरशिप में इस टॉपिक को ले आइएगा तो देखिएगा आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। आपकी कंपनी को मान लीजिए लोन मिल सकता है, अलग बात है, मगर जो इन्वेस्टर है वो नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप अकेले मालिक हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट करेगा तो क्या बेसिस देख के इन्वेस्टमेंट करेगा, वो तो डिसीजन आपके किसी भी डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। तो वो जो है इनसिक्योर फेस करता है, मतलब अपने आप को स्ट्रांग महसूस नहीं करता है आपकी कंपनी में पैसा लगाने में। तो इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है उसको देखिएगा फंडिंग का भी काम, या मान लीजिए इन्वेस्टमेंट का बहुत कम चांसेस रहता है कि मिला है। किसी को आजकल मिलना चालू हो गया है वो स्टार्टअप के बारे में, तो वो एक अलग मैटर है, मगर ऐसे बहुत कम मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन आपके सामने भी आता है और आप लोग भी फेस करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो ये था आज का टॉपिक कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसका डिसएडवांटेज क्या है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझा दिया कि सोल प्रोप्राइटरशिप है स्टार्टिंग में आपके लिए ठीक है, मगर जैसे ही आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है तो आप इसको पार्टनरशिप में या प्राइवेट लिमिटेड बना के इसको एक्वायर कर लीजिए, परचेज कर लीजिए, ताकि लोगों का भरोसा आप पे ज़्यादा हो और आपका बिजनेस भी और ज़्यादा बढ़ पाए। ऐसे किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप हैं तो आप हमारी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। 9230222490 पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि कितना हम लोग का फीस है, आपका मिनट वाइज, हाफ एन आवर या मंथली, जैसे भी आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, और उसमें आपकी सारी समस्याओं को सुनी जाएगी और उसके अनुसार आपको गाइडेंस किया जाएगा ताकि आप सही ट्रैक पर रह के अपने काम को कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों, जो गांव में और छोटे छोटे जगहों से बिजनेस कर रहे हैं तो उनके पास हम लोग जैसे लोग या प्रोफेशनल लोगों की जो टाइम की जो कमी होती है, वहाँ पे इस तरह के लोग नहीं होते। हम लोग के तरह के लोग मैक्सिमम आपको महानगर शहरों में ही मिलेंगे। तो
तो उन लोगों को ये भी अच्छा ऑफर है कि वो ऑनलाइन भी चाहें तो वहीं से बैठे हम लोग सर्विसेस ले सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। आपको उठ के आने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप फेस टू फेस आते हैं मोस्ट वेलकम है, नहीं भी आते हैं तो ओवर फोन चाहें तो टाइम बुकिंग करके अपने काम को कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।